negro. गर्मियों में एसी चाहिए, सर्दी में हीटर चाहिए। अब हीटर लेके आया हूँ, खैर मैं अपने लिए लेके आया, पापा के लिए लेके आया हूँ। अपन तो भी थोड़े जवान हैं, झेल लेंगे सर्दी। पापा के लिए लेके आया हूँ, उनको चाहिए रहता है। सो ऑयल हीटर लेके आया हूँ, इसमें कमरे की ना ऑक्सीजन ख़त्म नहीं करता, ऐसा कुछ था तो इसलिए लेके आया हूँ। सो वेलकम टू न्यू व्लॉग, मेरा नाम है अनिश शर्मा। आप मुझे जानते तो ठीक है, नहीं तो स्मैश द सब्सक्राइब बटन, आप मुझे जान जाओगे हमेशा की तरह। व्लॉग पता कितने बजे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ 8:35 पे। भाई इतने दिन हो गए, मैं रात को स्टार्ट करता हूँ, तुम भी ये सोचते होगे भाई रात को व्लॉग स्टार्ट करता है, पूरी रात घूमता है यार, फिर सुबह बना बना के दोपहर को डाल देता। तो मैंने ना वापस से शेड्यूल बनाना है कि मैं सुबह जल्दी उठूँ, पूरा दिन काम करूँ, कुछ प्रोडक्टिव करूँ, और उसके बाद मैं शाम को या नेक्स्ट मॉर्निंग व्लॉग डाल दूँ। तो ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। लॉकडाउन में ऐसा हो गया था भाई, मेरा चैनल हैक हो गया था। चैनल हैक के बाद है ना, मेरे पास और कुछ काम नहीं था, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो बनाऊं और बॉडी ट्रांसफॉर्म करूं मैं। और मैंने एक हद तक की थी, और मतलब मैं ना प्रॉपरली वीडियो बनाना चाह रहा था कि इस लॉकडाउन में मैं भाई प्रॉपरली फिट हो जाऊं, ऐप्स वैप्स निकाल लूँ, वो ऐप्स वैप्स तो घंटा नहीं निकले मेरे से बट फिट हो गया था मैं। मैंने अपना वेट टू बी ऑनेस्ट 20 से 22 kg काटा था, 92 था और मैंने 70-71 कर लिया था। तो भाई वो वाला शेड्यूल था कि मैं रात को 9 बजे 10 बजे तो मतलब मैक्स था 10 बजे सो जाता था, और सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाता था, मैं वॉक पे चला जाता था, साइकिलिंग पे चला जाता था अपनी, मतलब छत पे मैंने थोड़े बहुत डंबल वम्बल ला रखे थे, वो कर लिए, एक्सरसाइज कर ली। तो ये ऐसा शेड्यूल बना रखा था, और ये एक नंबर शेड्यूल था भाई। तुम्हारा ना जल्दी उठते हो ना, तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव निकलता ही निकलता है, क्योंकि दिन बड़ा हो जाता है और तुम्हारे पास काम करने के लिए बहुत सा टाइम हो जाता है। तो इस वजह से ना मैं सोच रहा हूँ यार क्यों ना वापस से ऐसा शेड्यूल बनाया जाए, सोच कर रहा हूँ मैं बनाऊँगा। तो आज मैं सोच रहा था कि रात को निकलूँगा, जाता हूँ, बात करते हैं, कहीं घूमते फिरते, मतलब यार मैंने कहा छोड़ 10 बजे 11 बजे तक उठ जाता हूँ। पर यार ये 10-11 बजे उठना, आराम से फ्रेश अप होके घर से निकलना, और ये मतलब 1 बज जाता था, और एक बजे अगर आप निकल रहे हो ना, 4 घंटे बच गए, चार घंटे बाद तो अंधेरा हो जाएगा, उसके बाद फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो उससे बढ़िया है तुम सुबह सुबह जल्दी उठो और काम करना स्टार्ट करो। सो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं जल्दी उठूँ और जल्दी से काम पे, काम पे क्या जो भी मैं, मतलब मैं दिन जिस तरीके से काटता हूँ वो मैं सुबह जल्दी उठ के अपना अगर वर्कआउट करना स्टार्ट, अभी मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट नहीं किया, थोड़ा बहुत करता हूँ, मतलब 2-3 दिन में पुशअप मार लिए, और मतलब यही अभी फ़िलहाल वर्कआउट वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक पल को जब पूरा जिम बन जाए उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूँ एक बार ही प्रॉपरली, क्योंकि बीच बीच में यार छूट जाता है। और मेरा पता क्या है भाई, अगर मैं जिम नहीं कर रहा तो मेरे से प्रोटीन नहीं पिया जाता, तो बस यही है। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना ऐसा किया जाए। तो मैंने आज पूरे दिन तो मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया, आज है 30 तारीख, कल मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट किया था जब मनीष की गाड़ी ख़राब हो गई थी, वो 24/7 चैलेंज कर रहा था, तो उस टाइम मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट किया था। इफ़ यू वांट मैं वो वाला व्लॉग डाल रहा हूँ, वो इसमें मर्ज कर रहा हूँ, वो आप देख लो। एंड कल सुबह से जल्दी से स्टार्ट करूँगा वर्कआउट। एंड ऑल्सो यार लोग है ना कमेंट मत करने लग जाना भाई, मैं तुम्हें ना एक मिनट में दिखाता हूँ। ये मैंने एक फाइल बना रखी है ओप्रो करके, ये गोप्रो थी, गोप्रो की फाइल है, और इसमें मैं थोड़ी थोड़ी मेरी
इसकी मेमोरी फुल हो रही है, इस वजह से थोड़ा लेट चल रहा है। वेट, अरे चल जा रे, ओए शिट। मतलब यहाँ मैंने व्लॉग करना स्टार्ट कर दिया था और मैंने बहुत सारी एक हद तक मैंने बनाया है व्लॉग जो मतलब बहुत बड़ा बनेगा अगर मैं डालने लगूँगा, बट मैं कुछ कुछ क्लिप पे ज़रूर डालूँगा। इफ़ यू वांट मैं डालूँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। ये हो गया, देख रहे हो, भाई बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था मैं इस टाइम, देखो ये हो गया। और ये क्लिप मतलब जून की है, 27 जून, ठीक है, तो 27 जून को ये मतलब मैंने ना प्रॉपरली मील वील का व्लॉग भी बनाया था। ये देखो कुछ जैसे मैं बनाता था ये अपनी सारी रेसिपी वगैरह जो भी मैं खाता था, चिकन विकन बना रहा था मैं, यहाँ मस्त। सो इस टाइप की मैंने पूरी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो तो नहीं बनाई, मतलब ये है कि हाँ पूरी अपने हद तक बहुत सारी क्लिप्स हैं मेरे पास जो मैंने बनाई है, और जितनी मैंने ट्रांसफॉर्म किया ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, लाइफ में मैं इतने दिन जिम गया हूँ, मैं इतना सा भी मतलब वो वाला फ़र्क नहीं बैठा था भाई, मेरे को नहीं लगता था कि मैं इतना वेट लूज़ कर पाऊँगा। मैंने 20 से 22 किलो वेट आराम से लूज़ किया है। तो मतलब मेरा ये दिखाने का मतलब ये था कि मैं पहले से बना रहा था और मैं चाह रहा था कि मैं डाल दूँ, बट कई लोग यार कमेंट करने लग जाते हैं, मेरा और मनीष का यार अपना भाईचारे वाली बात है, कई लोग बोले यार उसने बना दी और अब तुम बना रहे, भाई ऐसा कुछ नहीं है, जब हुई नहीं वो वाली बनी नहीं, अब जब डेली व्लॉग कर रहे हैं तो डेली का कंटेंट भी तो होना चाहिए। हाथ छोड़ के चला रहा हूँ अगर इफ यू वांट मैं ये डालूं तो मुझे प्लीज कमेंट में बताना, जो जो चीज है यार, जो जो चीजें होंगी वो सब चीज बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही है, इतने जो शूट किया है वो देखो, एंड मिलते हैं कल अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट होगा मेरा दिन। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये व्लॉग जब आप देख रहे हो तब मैं निकल चुका हूँ, मतलब उठ चुका हूँ, बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग तो दिखा दूँ उसके बाद देखना वो बहुत सारी बातें कर ली मैंने। टायर वायर भी लग दिए हैं इसके, तो मैं तो सोच रहा था काला हीटर देंगे, मैं तो काले के पीछे पागल था, इसने तो अंदर चेंज ही कर दिया रंग, हद हो गई यार, ये कलर दे दिया। खैर कोई नहीं, मैं इतना ही था, तुम कल की वीडियो देखो। और कर लो, और कर लो भाई, ठंड में मरे वो, ठंड में गेट खोल दे भाई, गेट बंद कर दे थोड़ा। अच्छा सर रुक भी बंद ना करोगे, बुरा हाल हो रहा इसका, चल गल के चक्कर में रे भाई, पार्ट को बात यूं और कैसे करी भाई, मिस्त्री बुला ले, बेल्ट तोड़ दी भाई इसकी, बेल्ट टूटी पड़ी है इसकी, फैन बेल्ट टूट रही है इसकी, देखिए बट देखिए हम उठिया उतरी नहीं हुआ पता भाई, मेरा दिल बैठा जा रहा है इस बात की, तो ये ना पता टूटी पड़ी है इसकी, टूट रही है ये, पड़ी उतरी पड़ी ना, बेल्ट उतरी पड़ी है, उतरी पड़ी, ओहो उतरी, ओहो भाई 6 साल चलाई भी हम दोनों, मैं आपसे पूछी जब गाड़ी खड़ी थी कितनी देर खड़ी थी, खड़ी रहने के बाद में लाइट कितनी देर जल रही थी, उसके बाद में इसमें कुछ भी ना जल रहा, इसमें एक भी लाइट ना जल रही, तो वो बोले बैटरी वो चार्ज नहीं होगी, बैटरी कैसे लाइट जलेगा, तो चलाने वाले BMW चला ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, मैं पहले खाता था और मैं ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बना रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ।